सो हाँ जी गाइज, ये एट्रोलोबियम नाम का ये जो पेड़ है, प्रजाति है, वो गाइज ये है। ठीक है, बहुत ही बड़ा पेड़ है, बहुत ही बड़ा वृक्ष है। आपने देखा होगा कल्प वृक्ष की बात कभी ना कभी सुनी होगी, जो कल्प वृक्ष में बहुत ही बड़ा होता है। और भाई उस ट्री में जाके अगर आप कुछ भी प्रार्थना करते हो, कुछ भी विश मांगते हो, तो यार पूरी हो जाती। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद राज, एंड मैं हूँ राज। सो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आयो बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। और यार वीडियो यार बहुत टाइम से नहीं आ पा रही थी मेरे चैनल पे, तो यार एक्चुअली यार किसी काम में फंसा हुआ था, तो वीडियो आपके लिए नहीं बना पा रहा था। तो यार एक्चुअली क्या है, हम लोग ना आज, मैं देखो आप देख सकते हो, मैं ना किसी गार्डन में हूँ। ठीक है, तो गार्डन में हम लोग आए हुए थे थोड़ा सा तो टहलने के लिए। तो सडनली क्या हुआ कि हमारी ना एक बोर्ड के ऊपर नज़र गई। ये आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हो, और बोर्ड देख रहे हो, इस बोर्ड में जो लिखा हुआ है ना, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी हुई है। तो मुझे लगा कि आपके लिए बताना चाहिए और आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ये बोर्ड क्यों लगा है, क्या स्पेशल चीज़ लिखी गई है और किस चीज़ के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं बता दूँ आपको कि बोर्ड ये लगाया गया है। ये मेरे पीछे देख सकते हो कि कितना बड़ा पेड़ है, ये बहुत ही बड़ा पेड़ है। और इसकी जो मोटाई है तने की, 19 फीट की मोटाई है, बहुत ही मोटा इसका तना है और बहुत ही विशाल पेड़ है, आप देख सकते हो। ठीक है गाइज, तो यू कैन सी बहुत ही बड़ा पेड़ है। और ये जो पेड़ है, ये अपने बारे में यहाँ पर बहुत कुछ कहा है इसने। अभी आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है, उसके बारे में यहां पे, क्योंकि अभी क्या है, रेयर कैमरा मैं यूज़ करूंगा, उसके बाद ही आपको क्लियर दिखेगा। क्योंकि अभी मैंने मिरर कैमरा यूज़ कर रहा हूं, तो आपको ये सारे का सारा मैटर उल्टा दिख रहा होगा। तो ये भाई जो चंडीगढ़ का एक जो धरोहर वृक्ष है, उनमें से एक बहुत बड़ा ये इम्पोर्टेंट वृक्ष है। ओवरव्यू में दे देता हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में कि ये जो वृक्ष है, ये जो पेड़ है भाई, ये है विदेशी पेड़ है, बाहर की प्रजाति है, जो कि चंडीगढ़ में लगाया गया था। और इसकी जो आप देख सकते हो, ये जो तने देख सकते हो, ये तना की जो जड़ें हैं, आप देख सकते हो कितनी कहाँ तक फैली हुई हैं, देख सकते हो बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। और इसकी जो इसमें डिटेल जो लिखी हुई है, स्पेशल डिटेल जो लिखी हुई है, वो तने के बारे में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, अप्रॉक्स 80 फीट के करीब ये ऊंचा पेड़ है भाई, भाई साहब बहुत ही बड़ा ऊंचा पेड़ है। और इसकी जो छाया देने की है, जो जैसे करके जो छाया देता है, तो उसकी भी, उसके बारे में भी बताया गया है। 19 फीट की इसकी मोटाई है तने की, तो बहुत ही यार बढ़िया है। तो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा आपका, तो वीडियो को फटाफट हम दिखाता हूँ मैं आपको अच्छे से डिटेल में। ठीक है गाइज, और आपको बोर्ड पे भी जो लिखा हुआ है, वो भी अच्छे डिटेल में आपको बताऊंगा। और ठीक है, और ये मैं बता दूं आपको, ये जो पार्क है वो 36A में पड़ता है, 36A में गार्डन पड़ता है, ये हैबिकस गार्डन है, तो उसके अंदर ये वृक्ष आता है। तो एक चीज़ और है, इसी बोर्ड के अंदर आपको एक चीज़ और दिख जाएगी, यहाँ पर रेफरल दिया गया है कि भाई मेरी तरह के प्रजाति के पेड़ से अगर दोबारा मिलना है, तो वो दूसरी जगह भी है, तो वो है 38 में, इसी बोर्ड में बताया गया है। और अपनी कहानी जो है अपने बारे में, इस पेड़ ने एक तरह से डिटेल दी है अपने बारे में ही, और अपनी कहानी यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई है इसकी।
तो बहुत ही सुंदर तरीके से है, मैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। और कभी आपका चक्कर लगे 36 सेक्टर में ए में, तो यार प्लीज़ यार इसको देखना यार, रेड करना यार, बहुत ही बढ़िया चीज़ है यार। अगर पूरे गार्डन में यार सबसे बढ़िया अच्छी चीज़ यही है। और इसके ऊपर मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता, इस तरह के पक्षी हैं ना, मैंने फर्स्ट टाइम सीरियसली मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं इस तरह के पक्षी। तो उनका भी निवास इसी पेड़ पे है, घोंसला वगैरह बना रखा है, यहीं रहते हैं। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट तो क्या स्टार्ट हो ही गई है, ठीक है। बाकी मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ, इसके बारे में बातें बहुत होगी, ठीक है। अब मिलते हैं रेयर कैमरे पे, वहाँ से वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जो भी नए हैं मेरे भाई लोग, मेरे जो देखने वाले मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, तो अगर उन्होंने चैनल पे आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं चंडीगढ़ से रिलेटेड वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ, व्लॉग वगैरह शूट करता रहता हूँ, वो नॉलेजेबल वीडियो रहती है वो, ताकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वैसे वैसे ब्लॉग्स होते हैं, आज मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ खाना खा रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं। जो नॉलेज आपको दे सकें, प्लेस एक्सप्लोर करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आप चंडीगढ़ से रूबरू होना चाहते हो, प्लेस जितने भी हैं, हिडन प्लेस हैं या और दूसरे मतलब कि अलग अलग तरह के प्लेसेस हैं जिनको आपने नहीं देखे हैं, उनसे रूबरू होना चाहते हो, मार्केट से रूबरू होना चाहते हो, या कुछ भी चीज़ है चंडीगढ़ से रिलेटेड, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो आपके लिए यूज़फुल होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, कर सकते हो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बहुत टाइम हो गया, हर 5 मिनट की वीडियो तो यही होगी, ठीक है। सो हाँ जी गाइस, ये एट्रोलोबियम नाम का ये जो पेड़ है, प्रजाति है, वो गाइस ये है, ठीक है। बहुत ही बड़ा पेड़ है, बहुत ही बड़ा वृक्ष है, आपने देखा होगा कल्प वृक्ष की बात कभी ना कभी सुनी होगी, जो कल्प वृक्ष में बहुत ही बड़ा होता है। और भाई उस ट्री में जाके अगर आप कुछ भी प्रार्थना करते हो, कुछ भी विश मांगते हो, तो यार पूरी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यह कल्प वृक्ष जैसा ही, भाई साहब कल्प वृक्ष जैसा ही ये पेड़ है, बहुत ही बड़ा है और बहुत ही विशाल है। और ये चंडीगढ़ की तरफ से यार सीधा क्लियर कट बोला गया है कि भाई ये चंडीगढ़ का जो धरोहर वृक्ष है उसकी वो मतलब इसको मिला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये पेड़ है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल है, बहुत ही टहनी है इसके अंदर, ठीक है। इसकी जो हाइट है भाई 80 फुट की हाइट है, ठीक है भाई 80 फुट क्या यार, 100 फुट के यार देखे होंगे आपने, दिल्ली में राउंड फूके जाते हैं कितनी हाइट के होते हैं, तो यार 80 फुट का पेड़ है, बहुत ही बड़ा पेड़ है। और ये बाहर की प्रजाति है, इंडिया की नहीं है, ये विदेशी प्रजाति है, ठीक है गाइज। और इसकी जो तने की मोटाई है, मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो ये जो तना है, तने की मोटाई बहुत ज़्यादा है, मेरा हाथ देख सकते हो कितना छोटा लग रहा है और तना कितना बड़ा है। तो गाइज बहुत बड़ा है तना भी इसका, 19 फीट का तना है। और इसकी जो जड़ें आप देख सकते हो, जड़ें कहाँ तक गई हुई हैं, ये देख सकते हो कितनी दूर दूर तक जड़ें गई हुई हैं इसकी, बहुत दूर दूर तक जड़ें गई हैं, आप देख सकते हो कहाँ तक जड़ें गई हुई हैं। तो ये बहुत ही विशाल पेड़ है गाइज, ठीक है। एंड आप देख सकते हो ये जो पेड़ है, जो हमारा विदेशी पेड़ है और जो चंडीगढ़ की धरोहर है, तो आप देख सकते हो इसी तरह के जो पेड़ हैं, इसी तरह के पेड़ इसके आसपास भी लगे हुए हैं, एक ये पेड़ लगा हुआ है, एक ये पेड़ लगा हुआ है, और इसकी ही जस्ट इसने कवर की, इनको पेड़ों को जैसे कि कवर किया हुआ है, शेड की तरह कवर किया, आप देख सकते हो इसकी टहनियाँ कहाँ तक ऊपर तक जा रही हैं, और इन दोनों पेड़ों को कवर किया हुआ है, जैसे कि ये जैसे फादर हो और ये दो बच्चे हों इसके, सन हो, और एक आप देख सकते हो उधर भी है, ठीक है, वो भी पेड़ है, वो भी इसके मतलब कि टहनियों के अंदर ही आ रहा है। तो गाइस देख सकते हो कि वहाँ वहाँ तक इसके जो बीज गिरे होंगे, वहाँ वहाँ तक जो पेड़ वगैरह ये उग गए हैं, देख सकते हो। और थोड़ी सी कहानी और बताना चाहूँगा मैं इस पेड़ के बारे में, ये पेड़ कितने ही सुंदर तरीके से अपने बारे में बयां कर रहा है, बता रहा है, ठीक है। तो आप ऊपर देख सकते हो चंडीगढ़ के धरोहर वृक्ष, हिबिकस गार्डन है गाइज, सेक्टर 36A का खूबसूरत पेड़, ठीक है गाइज। मैं ये पेड़ जो है, ये जो पेड़ है अपनी यहाँ बात बयां कर रहा है, अपने बारे में खुद बता रहा है, ठीक है, इस तरह से ये आर्टिकल लिखा गया है। ये पेड़ कहता है मैं एट लो एट
गाइस बहुत ही डिफिकल्ट नाम है, एट्रोलोबियम टिम्बोबा एक विदेशी प्रजाति हूँ। मैं लेजर वैली सेक्टर 36 के हिबिकस गार्डन में खड़ा हूँ, ठीक है। मेरी गोलाई लगभग 19 फीट है और मेरे गोल तने के दर्जनों शाखाएं हैं। तो दर्जनों शाखाएं आप देख सकते हो उसकी, ठीक है, शाखाएं हैं। मेरी ऊंचाई 80 फीट के आसपास है और मेरी चंद्रमा की छाया, जिसकी छाया है, शेड है जो बनता है, 114 फीट तक की फैली हुई है। गाइज देख सकते हो कहां से कहां तक इसकी जो छाया है वो फैली हुई है। बहुत ही बड़ा पेड़ है गाइज, ठीक है। 114 फीट की शेड है तक फैली हुई है इसकी चंद्रमा की छाया, ठीक है। आप मेरी जड़ों के तनों से तने जो हैं, जड़ों की तने जो हैं 15 से 20 फीट की दूरी तक भी फैली हुई है। देख सकते हो आप गाइज, ये देख सकते हो कि भाई कहां तक फैली हुई है, 15 से 20 फीट की दूरी तक, वो देखो लास्ट वो है और मैं यहां खड़ा हूं गाइज, देख सकते हो बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। एक वो फैली हुई है इतनी दूर तक इसकी जड़ें गई हैं। बहुत ही स्ट्रांग पेड़ है, बहुत ही पुराना पेड़ है गाइज, ठीक है। ये हो गया 15 से 20 फुट तक फैली हुई है, क्या यह अनूठी बात है, ये पूछ रहा है वृक्ष हमसे। गार्डन में छाया, फूल और सुगंध प्राप्त करने वाले लगभग 40 अलग अलग किस्मों के हिबिकस और कई प्रकार के पेड़ जैसे कि चुकरसिया, टेकोमा कुसुम, बड़ा चंबा और अमलतास लगाए गए हैं। हम पेड़ ये हमारे और अपने बारे में और बता रहा है ये पेड़, हम पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वायु की गुणवत्ता में सुधार, जलवायु में सुधार, जल संरक्षण और मिट्टी के संरक्षण के साथ वन्य जीवों का आश्रय भी प्रदान करते हैं। आश्रय इन द सेंस कि यहाँ भी उनको रहने की सुविधा भी प्रदान करते हैं, रहने की सुविधा वगैरह भी देते हैं, जैसे पक्षी पक्षी होते हैं, तो ये अपने बारे में बता रहा, आश्रय देते हैं हम, ठीक है। हम शांतिपूर्वक और सुंदरता पूर्वक माहौल बनाकर जीवन की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, इसलिए मनुष्य यानी इंसान को अपने जीवन का पोषण करने के लिए, मतलब कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, इंसान को पोषण करने के लिए पेड़ों का पोषण करना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। पेड़ों को प्रोटेक्ट करना, उनको उनकी केयरिंग करना बहुत जरूरी है। जो आम इंसान है, पेड़ों को केयर करना चाहिए इंसानों को, ठीक है गाइस। आप सभी अधिक से अधिक पौधा रोपण करें, पौधे लगाएं, ताकि धरती पर जीवन खुशहाल रहे। मेरे बारे में तकनीकी जानकारी के लिए कृपया QR कोड स्कैन करें, जो गाइस ये यहाँ पे QR कोड लगा हुआ है, आप आके यहाँ स्कैन करके और डिटेल देख सकते हैं इसके बारे में, पेड़ के बारे में जान सकते हैं। और आगे लिखा हुआ है, चंडीगढ़ के धरोहर वृक्ष में से एक मैं एक हूँ, मेरे जैसे एक और धरोहर वृक्ष से मिलने के लिए सेक्टर 38 जरूर जाएं। तो गाइस सेक्टर 38 में भी कहीं ना कहीं वो वृक्ष होगा, तो गाइस अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए जरूर मैं वहां जाऊंगा और वृक्ष के बारे में जरूर मैं आपको दिखाऊंगा, वो वृक्ष क्या है, उस वृक्ष का नाम क्या है, पेड़ का नाम क्या है, कितना पुराना है, जो भी डिटेल वगैरह होगी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है गाइज। तो गाइज तो ये आपने देखा, तो गाइज वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके यार बताना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइज। ब्लॉग विद राज को सपोर्ट कर देना, अपने छोटे भाई को सपोर्ट कर देना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, टेक केयर।